सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ये अहोभाग्य दिन है हमारे लिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ग्रैंडसन हमारे कैंपस में आए और इतना एक बढ़िया काम कि एक हमारे यहाँ एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग की मशीन लग रही है जिसकी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह हमें पता चलता, मतलब देख रहे हैं हम कि एनवायरनमेंट में कितना बुरा असर हो रहा है प्लास्टिक का, और एक ये बहुत अच्छा कदम है कि हमारे कैंपस में मशीन लगाई गई है और करीब 500 बच्चों को एड्रेस किया गया है। तो 500 भी मुझे लगता है ये 500 बच्चे जो हैं 5 करोड़ बच्चों में ये सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस फैलाएंगे और लिटर फ्री कैंपस बनेगा इससे, और एक बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ होगी कि प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, कैसे रीयूज़ रीसाइकल रीप्लेनिश वाली बात जो है वो सिद्ध होगी यहाँ पे, और देखेंगे इसका कितना अच्छा असर पड़ता है। और बच्चों को अवेयर करना सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है और वो आज इस माध्यम से पर्पज़ ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये समझें कि जो प्लास्टिक कचरा है ये दिन प्रतिदिन जिस तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, तो इसको हैंडल करने के लिए मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा रिसाइकल हो रही है। तो जैसे पेट बॉटल्स हैं ये रिसाइकल 80% से ज़्यादा हो रही हैं, बाकी दूसरे कोई कचरे हैं जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जैसे कि दूध की थैलियाँ हैं वो 50% 40% रिसाइकल हो रही हैं, जो पतली पतली थैलियाँ हैं वो 10% ही हो रही हैं रिसाइकल। तो ये मशीन में क्या है कि जो बोतल इधर उधर ना फेंक करके ये इसी मशीन में फेंकें और लोगों को जानकारी हो, इसका लगाने का पर्पज़ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो आने वाली कल की जनरेशन है वो समझे कि क्या चीज़ रिसाइकल हो सकती है। और इस मशीन के साथ साथ हम इवेंट भी करते हैं, हमारी फिल्म जो बनाई हुई है, जो गाना है, जो फिल्म है किस तरह से प्लास्टिक कचरा है, तो उसकी जानकारी लोगों को मिलती है कि कौन सा कचरा रिसाइकल ज़्यादा हो सकता है, उसको पहले फेज़ में उसको हम करेंगे रिसाइकल, दूसरे में जो नहीं हो सकता है रिसाइकल तो हो सकता है लेकिन फैसिलिटी नहीं है तो उसको रिड्यूस करेंगे। देखिए ऐसा है कि जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ के प्रिंसिपल से मिला, यहाँ के ट्रस्टी से मिला, तो सबसे पहले जब इन्होंने पूरी ओवरऑल जब हमारा प्रोजेक्ट सुना तो इनको ये लगा कि पंडित दीनदयाल स्मृति मंच वो कार्य कर रहा है जो कि पंडित दीनदयाल जी की एक सोच थी, जो एकात्म मानवतावाद को लेते हुए आज के यूथ में उसको कैसे हम लोग जागरूक कराएं, कैसे सृष्टि के प्रति जो अपने मातृ कैसे उसको ये करके हम आगे बढ़ें और कैसे ये प्लास्टिक कचरे को हम यहाँ से हटाएं, उसके लिए ये ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस एक्टिविटी कर रही है और इन्होंने सोचा कि ऐसी सोच को लेके हमको आगे बढ़ना है, अगर ये सोच हमारे साथ आती है तो हम बिल्कुल इसमें जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सोच ही इम्पॉर्टेंट है, आज जो आज हमारा मंच भी जो कर रहा है ये एकात्म मानवता की सोच ही थी, आज भाई साहब है उन्होंने अष्टांग योग के माध्यम से और इसको लेके वो सोच को ही आगे बढ़ाने का एक प्रेरणा ली हुई है और वो हम पूरे देश भर में घूम घूम के वो सोच को ये कर रहे हैं कि आगे चल के अच्छी तरह से इसको सारे देशों में पहुँचाएं।